अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज़। में आज हम बनाएंगे मटन खिचड़ा। सबसे पहले हम दालों को भिगा लेंगे। ये गिलास से एक एक गिलास ली। मेजरमेंट आप कौन से भी कप से ले सकते या ग्लास से ले सकते, कैसा भी ले सकते। इससे हर चीज़ को एक एक कप लेना। तुवर की दाल है ये 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1 कप, माश की दाल 1 कप, चने की दाल 1 कप। ये बासमती चावल है, ये भी मैं 1 कप ली। ये पूरे दालों को अच्छे से धो के भिगा के रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। पूरे दालों को धोली में 5 से 6 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। अगर आप लोगों को जल्दी है तो 2 घंटे के लिए कुनकुने पानी में भिगा के रख देना। गेहूं का रवा है ये, आप ना चाहे तो गेहूं को भी भिगा ले सकते हैं। रवा है ये 1.5 किलो, इसको भी हम धो के भिगा के रख लेंगे। ये है बार्ली, 50 ग्राम है ये, आप ना चाहे तो कम ज़्यादा भी कर ले सकते, इसको भी धो के भिगा के रख लेंगे। ये है जौ, जौ बोले तो दुकानों पे आसानी से मिल जाता। जौ है ये 1.5 किलो। अब हम इसको मोटा मोटा पीस लेंगे, पीस लेके धो के भिगा के रख देंगे। करवा भिगा के रखे थे ना, अब हम इसको कुकर में डालेंगे। बार्ली भिगा के रखे थे ना, वो भी डाल देंगे। जौ को हम मोटा मोटा पीस के भिगा के रख लिए थे, अब ये भी कुकर में डाल लिए। कुकर में जितना पानी लगता देखना, पानी उबल के बाहर नहीं आए वैसा देखना। 1 टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे। 4 से 5 सीटी आने तक ढक्कन लगा के रखेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी दालें अच्छे से भीग गए। 5-6 घंटे के लिए भिगा के रखे थे ना, अच्छे से भीग गए। अब हम इसको कुकर में गला लेंगे। चलिए हम 5 से 6 सीटी आने तक ढक्कन लगा के चूल्हे पर रख देंगे। गोश्त को गलाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए चूल्हे पर कुकर रख दी मैं, कुकर गर्म हो गया। इसमें डाली मैं 7 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया। तो हम इसमें डालेंगे 4 डल्ली प्याज, प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गई। इसमें डालेंगे गोश्त है ये 1 किलो। देखिए बड़े बड़े पीसेस करा ली में, ये देखिए चिकना रवासदार है ये। खिचड़े में ऐसी गोश्त अच्छा लगता। ये बीफ है, आप लोग मटन भी ले सकते। हड्डियाँ डाल दी में, आप ना चाहे तो स्किप भी कर सकते। हड्डियाँ डाले तो टेस्ट बढ़ जाता। अच्छे से हिलाएंगे। टू टी स्पून अदरक लहसुन, नमक 1.5 टी स्पून, मिर्ची 3 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग अगर चाहे तो 3-4 टमाटे भी डाल सकते हैं, मैं टमाटे नहीं डाल रही हूँ। इंशाल्लाह बिना टमाटो को भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। टमाटे ऑप्शनल है। हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। 7 से 8 सीटी आने तक ढक्कन लगा के रखेंगे। चलिए अब हम चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे जौ, गेहूं का रवा, बार्ली अच्छे से गल गए। अब हम इसको भगोने में ट्रांसफ़र कर लेके इसको अच्छे से घोटेंगे। चलिए अब हम दालों को भी चेक करेंगे।
देखिए माशाल्लाह हमारे दालें भी अच्छे से गल गए। चलिए अब हम पूरे चीज़ों को भगोने में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए अब हम पूरे चीज़ों को अच्छे से घोट लेंगे। आप लोग चाहे तो मोटा मोटा भी रख सकते हैं। चलिए अब हम चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। चलिए इस फ्लेम को ऑफ करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, क्योंकि गोश्त में भी नमक है, नमक टेस्ट करके डालना। आप लोगों को अगर पूरा घोटना है तो पूरा घोट लेना, मैं दर दरा रख रही हूँ। जो गोश्त गला के रखे थे ना, वो गोश्त को भी डाल दीजिए। गोश्त को पूरा घोट देना, नहीं अच्छा गला देना। चलिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे, आराम आराम से हिलाना, नहीं तो उछलता ही। से 20 मिनट के लिए ऐसी हम दम पे रखेंगे। नमक चेक करेंगे, नमक कम है, मैं 1 टीस्पून नमक डाल, नमक टेस्ट करके डालना। सालन हूं दो कुछ भी हूं दो, नमक टेस्ट करके वो हिसाब से डाल। ज्यादा होता नमक, ज्यादा हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते, कम है तो फिर भी डाल ले सकते। देखिए माशाल्लाह, आप लोगों को अगर बोटियां ऐसा नहीं रखना है तो गला ले सकते, लेकिन बोटियां ऐसा रहे तो टेस्ट अच्छा रहता, जबरदस्त टेस्ट आता। डालेंगे हरी मिर्ची 5 से 6, कोथमीर पुदीना 2 कट्टे कोथमीर, 1 कट्टा पुदीना ही है। तली हुई प्याज डालेंगे। हेल्थी रेसिपी है ये, बच्चों को बड़ों को सबके लिए फायदेमंद रेसिपी है ये। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, पहले भी डाले थे ना इसलिए थोड़ा थोड़ा डालूंगी। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा मटन का खिचड़ा बनके रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ करेंगे। चलिए अब हम घी डालेंगे, घी से जायका बढ़ जाता। देखिए माशाल्लाह हमारा मटन खिचड़ा बनके रेडी हो गया। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।